कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर सियासत तेज हो गई है। अक्षय कांति बम को बचाने के कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार बताया है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी में हो रही देरी पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है और भाजपा पर अक्षय बम को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता गुंजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। भाजपा लोकतंत्र की सबसे संगठित पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। कांग्रेस कभी ईडी सीबीआई जैसे संस्थानों पर तो कभी इलेक्शन अधिकारियों पर आरोप लगाती है। यह वो पार्टी है जो हाई कोर्ट को भी अपमानित करती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे संगठित पार्टी है। यहाँ कोई अपराधी है तो उसे संरक्षण नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। देखिए, कांग्रेस की ये बातें उतनी ही निराधार है जितने की ये पार्टी, क्योंकि आप कभी ये ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जहां हारते हैं वहां ईवीएम पे अपने हार का ठीकरा निकालते हैं। ये वो पार्टी है आज जो हाईकोर्ट को भी अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र की सबसे संगठित पार्टी है। यहाँ पे किसी भी अगर अपराधी है तो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है और इस तरीके के आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। इनका अपना सिक्का जहां खोटा है तो इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना इनकी हार दर्शाता है और इनकी गंदी और ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।